हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन को लगभग 22-23 दिन हो चुके हैं। लॉकडाउन 1 21 दिन का था, उसके बाद लॉकडाउन 2 चल रहा है। तो आपकी जो मनोस्थिति है उस पे आपको काबू रखना सबसे ज्यादा अभी जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो सबसे मेन काम है वो है अपने मन पे काबू पाना, अपने मन को कंट्रोल करना। वो मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब आप आपके परिवार के साथ खुश रहेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए आपके खुश रहने की। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो रही है उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो जैसे ही आप पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ करेंगे, कुछ उसका आउटपुट निकलेगा। अब आउटपुट कैसे निकलेगा? या तो आप अपने लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी है आपकी खुश रहने की। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है कि जो आपका घर का जो माहौल है उसको पॉजिटिव बनाएं। किसी भी कंडीशन में उसे पॉजिटिव रखें, अगर कोई नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करें, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी जो है वो मन को खुश करें सबसे पहले। उसके बाद आपका जो घर है उसको, एनवायरमेंट है उसको अच्छा बनाएं, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर थर्ड में आपको पढ़ाई करनी है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं वैसे ही आप सोशल साइट से थोड़ा दूर हैं, थोड़ा क्या आप करें उनको यूज करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ करते हैं। चाहे हमारे चैनल पे करें चाहे दूसरे चैनल पे करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें जिससे आपका रिदम बना रहे, जिससे आपका फ्लो नहीं टूटे। जब जैसे ही आप लॉकडाउन के बाद आएंगे तो फिर थोड़ा बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको कवर अप करना है। यही टाइम है कि आप अपना कवर अप कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर पीछे है तो उसको आप बराबर में ला सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है कि आप अपने आप को खुश रखिए। सेकेंड चीज ये कि अपने जो परिवार है उसका माहौल अच्छा करिए। माहौल अच्छा कैसे करेंगे? उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, बात करिए, कुछ कहानी किस्से गुनगुनाइए, अपने अम्मा बाबा के साथ टाइम स्पेंड करिए, नाना नानी पापा मम्मी सबके साथ टाइम स्पेंड करिए। थर्ड प्रायोरिटी है टाइम बच जाए तो पढ़िए, टाइम नहीं बचे तो मत पढ़िएगा। और ये पक्की बात है कि आपके पास टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स है और आपका बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, तो आपके पास टाइम तो बचेगा, ठीक है। तो पहली बात, अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार का माहौल खुश रखिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, और प्लीज टाइम मिले तो वीडियोस भी देखिए, पढ़िए, ठीक है, और थोड़ी मस्ती करते रहिए। चलिए, लास्ट लेक्चर में राजस्थान ज्योग्राफी में हमने क्या देखा था? जो सिमिलर साउंड करते हैं जैसे वागड़, बांगड़, मरु, मेरु, तोरावटी, शिखावटी, ऐसी चीजें देखी थी हमने। इसमें 7-8 पॉइंट कवर किए थे, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 3-4 जो डबल जो है सिमिलर साउंड जो देते हैं वो बचे हैं 3-4। उसके बाद जो सिंगल सिंगल है उनको हम आगे देखेंगे, जैसे योद्धे क्या होता है, जानलपुर क्या होता है, ठीक है। तो आज हम जो चालू करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलर साउंड पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है हमारा, हमने 8-9 पे कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा जो है वो ये है कि मेवात और मेवल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेवात और मेवल में डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनिए। आपने सुना होगा हरियाणा वालों को हम क्या बोलते हैं, मेवाती, ऐसा जनरली बोलने में आते हैं कि हरियाणा वाले मेवाती। अब लेकिन हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में। ध्यान दीजिए, हमने जब पढ़ा था कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हरियाणा के सीमा बनाते हैं, तो उसमें हमने ये देखा था एक ट्रिक, जय भजो हनुमान शेखावटी आए, तो उसमें क्या आता था, एक अलवर आता था और एक आता था भरतपुर। तो जो मेवात है वो राजस्थान के संदर्भ में भरतपुर और अलवर जिलों को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो याद करने का भी आपको तरीका मैं बताता जा रहा। तो राजस्थान के भरतपुर एवं अलवर जिले को मेवात कहते हैं, जहां पर मेव जनजाति निवास करते हैं। क्लियर? चलिए देख लीजिए पॉइंट। सबसे पहला है मेवात, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिले, जहां मेव जाति रहती है या निवास करती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लैंग्वेज
राजस्थान के कौन कौन से जिले? अलवर और भरतपुर। यहाँ पे क्या होता है, मेड जाति रहती है, इसलिए उस रीजन को, उस एरिया को अलवर भरतपुर में क्या बोल दिया, मेवा। अब हमें देखना है कि मेवल क्या होता है। तो मेवल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ हमारा राजस्थान का नक्शा था, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा राजस्थान का नक्शा है। अभी हमें जिस चीज की बात करनी उसी पे आ रहा है, ठीक है, या आप सिंपल सा ऐसा भी बना सकते हैं, नक्शे पर बाद में नहीं, हमें जो समझना है बस। यहां पे क्या था, राजसमंद, यहां पे उदयपुर, यहां पे डूंगरपुर, और नीचे नीचे क्या आता है, बांसवाड़ा। ये क्लियर। अब हमने यहां तक देख लिया कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में क्या पाया जाता है, भोराट। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में क्या पाया जाता है, भूमट। अब जो है मेवल वो होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं मेवल, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का रीजन हो गया मेवल। यहां तक क्लियर है। ये राजस्थान का मेप था, हमने देखा था राजस्थान का मेप पतंगाकार आकृति का है। तो मैंने सिंपल से एक पतंग लगा दिया आपको समझाने के लिए, प्रॉपर नक्शा नहीं है। तो देखो इधर की बात करें सेंटर से थोड़ा, तो यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान के जस्ट नीचे उदयपुर, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट नीचे बांसवाड़ा। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उदयपुर और राजस्थान के बीच में क्या पाई जाती है, भोराट, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भूमट। आज जो देखना था कि मेवल क्या होता है, तो मेवल होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं मेवल। क्लियर, देख लीजिए। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, हिल रीजन, ठीक है। तो मेवल क्या हो गया, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, मेवल। उससे पहले हमने देखा मेवात। मेवात होता है अलवर में भरतपुर जिलों को मेवात कहते हैं, जहां पर कौन सी जाति निवास करती है, मेव जाति। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट है शायद दसवा, हमें देखना है थली और तल्ली में क्या डिफरेंस है, थली और तल्ली में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम कि थली क्या होता है। हम जानते हैं कि जो मरुस्थल है हमारा, जो डेजर्ट एरिया है, वो किस एरिया में, वेस्टर्न साइड में, राजस्थान के वेस्टर्न साइड, पश्चिमी संभाग को हम कह सकते हैं हमें कि क्या है मरुस्थल। तो जो राजस्थान का पश्चिमी एरिया है, राजस्थान का वेस्टर्न साइड है, उसमें हमने देखे कि बीकानेर और चूरू जिले पाए जाते हैं। बीकानेर में चूरू जिले, ठीक है। तो इन जिलों में क्या है, जो डेजर्ट है उसका जो भाग है कुछ वो ऊंचा उठा हुआ है थोड़ा, ठीक है। जैसे बाकी नॉर्मल है ग्राउंड लेवल से, फॉर एग्जाम्पल 40 मीटर की हाइट पे, तो वो थोड़ा 50 मीटर की हाइट पे या 55 कुल मिलाकर उससे ज्यादा है। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जो किस जिलों में है, बीकानेर और चूरू में, उनको क्या बोलते हैं, थली, ठीक है। देख लीजिए मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका विस्तार बीकानेर व चूरू में है, बीकाचू में है, ठीक है। ट्रिक हो जाएगी, बीकाचू, बीकानेर, चूरू। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका विस्तार बीकानेर और चूरू में, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, थली, ठीक है। अब बीकानेर और चूरू आया तो कुछ लिंक बिठाइए कि हमने क्या याद कराया आपको। मैंने क्या याद कराया आपको कि राजस्थान के दो ऐसे जिले जहां पर कोई नदी नहीं बहती, कौन से, बीकानेर और चूरू। तो राजस्थान के वे जिले जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती, बीकानेर और चूरू, ठीक है।
और थली किसको बोलते हैं, मरुस्थल का ऊंचा उठाव भाग जिसका विस्तार कहां पर है, बीकानेर और चूरू में। ठीक है, उसके बाद करें हम तली की, तली की तल्ली का एक बार लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, तल्ली क्या होता है, तल्ली ये होता है कि बालू के स्तूप के जो बीच से नीचे वाला भाग होता है जहां पर कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उनको हम बोलते हैं प्लाया झीलें, उनका निर्माण हो जाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं तल्ली। अब ये चीज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, जब आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो जो रेत के टीले बन जाते हैं, मरुस्थल के टीले बन जाते हैं कुछ ऐसे, मान लो ये तो हमारा एक लैंड पार्ट है, ठीक है, जहां पर बहुत सारा बूढ़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐसा बन जाता है, तो ये जो है ये बेसिकली बालू के स्तूप है, टीले बोल सकते हैं आप अभी के लिए। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे समझेंगे कि इनकी भी बहुत सारी आकृति होती है, जैसे बरखान होती है, ठीक है, सीपू होती है, हेयर क्लिफ होती है, वो आगे हम देखेंगे प्रॉपर 9-10 तरह की इनकी आकृतियां होती है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि जो प्लाया झीले हैं वो क्या है, ठीक है, तो क्या होता है, जो मानसून होता है, मानसून के दौरान क्या होता है, यहाँ पे अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है जहां पर क्या करते हैं, जो पालीवाल ब्राह्मण है वो यहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खड़ीन कृषि, उसको क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि। या अगर मैं पूरा प्रॉपर लिखाऊंगा आपको, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये झीलें जो बनती है उनको बोलते हैं प्लाया झीलें, ठीक है, प्लाया झील। तो मैंने ये लिखवाया आपको कि जो बालू के स्तूप के जो बीच से नीचे वाला भाग है जहां पर क्या हो जाता है, प्लाया झीलों का निर्माण हो जाता है, उस भाग को हम बोलते हैं तल्ली। और प्लाया झीलें क्या होती है, मानसून के दौरान अस्थायी जो झीलें बनती है उनको हम बोलते हैं प्लाया झीलें, प्लाया झीलें। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो पालीवाल ब्राह्मण है वो खेती करते हैं, उसको हम बोलते हैं खड़ी कृषि, ठीक है, या प्लाया कृषि भी बोल सकते, क्लियर। उसके बाद हमें जो देखना है वो नेक्स्ट है, हमने देखा अभी तक मेवात, मेवाल, मेवर, थली और तल्ली। उसके बाद जो हमें देखना है वो है कि जो मत्स्य है और मत्स्य संघ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो मत्स्य और मत्स्य संघ में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखिए मत्स्य संघ, अगर तो जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, अभी हम आगे, ये तो अलग चैप्टर हो गया, ये आता है बेसिकली राजस्थान हिस्ट्री का, कि जो राजस्थान का एकीकरण वो कैसे हुआ, कब हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण हमारे कभी एक बार जिक्र पहले भी हो चुका है, तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, ठीक है, हमारा जिक्र कहां पर हुआ था, जब हमें संभाग पढ़े थे, थर्ड चैप्टर जो पढ़ा था राजस्थान के संभाग, डिविजन्स ऑफ राजस्थान, उसमें मैंने आपको थोड़ा एकीकरण के बारे में मामूली सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, क्योंकि वो हमारा सिलेबस है नहीं। तो जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका जो प्रथम चरण है उसको बोलते हैं हम मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को, राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरण में होता है जिसमें प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, ठीक है, तो लिख लीजिए राजस्थान के एकीकरण, इंटीग्रेशन बोलते हैं, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहते हैं, इसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब अगर राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको ये मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया, ये आपको पूरा राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा
कि राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे, कौन सा जो चरण है वो कब गठन हुआ, उसका नाम किसने दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखा दिया कि राजस्थान का जो एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का जो फर्स्ट स्टेट था, प्रथम चरण था, उसको हम बोलते हैं मत्स्य संघ, ठीक है। अब बात यह आती है कि जो राजस्थान के एकीकरण हुआ उसका प्रथम चरण था, उसमें कौन कौन को मिलाया गया, एक साथ लिया गया, तो जो मत्स्य संघ इसमें आते हैं, इसमें ए बी सी डी शामिल है। क्वेश्चन यही आने वाला कि मत्स्य संघ के अंतर्गत, मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो ए बी सी डी। अब ए की ट्रिक क्या है, अलवर, भरतपुर, करौली, और यह क्या हो जाएगा, धूल। तो जो मत्स्य संघ है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को बोलते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट गठन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को, और इसके अंतर्गत चार जिले आते हैं, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो हमने देखा मत्स्य संघ क्या होता है, अब हमें देखना है वो है मत्स्य, ठीक है। अब मत्स्य क्या होता है, जो अलवर है, अलवर का सदर्न वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, जो अलवर है, अलवर के दक्षिणी पश्चिम भाग को, दक्षिण पश्चिमी भाग को लिख लीजिए, अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहते हैं। जो भी अलवर का मेप है उसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, सदर्न वेस्ट वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं मत्स्य, ठीक है। अलवर के दक्षिण पश्चिम भाग को हम क्या बोलते हैं, मत्स्य, जिसकी राजधानी, जिसकी राजधानी बेराट थी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, बेराट थी, और बेराट का ही अभी का जो नाम है वो है वर्तमान में विराट, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विराट नगर का किससे संबंध है, तो मत्स्य से, या बेराट का किससे संबंध है, मत्स्य। मैच का कॉलम के क्वेश्चन आ सकते हैं, सुलेमित करवा सकते हैं, सुमेलित करवा सकते हैं। तो जो मत्स्य है उसको बोलते हैं हम अलवर के दक्षिण पश्चिम भाग, सदर्न वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं मत्स्य, और इसकी राजधानी क्या थी, विराट, जिसको अब वर्तमान में क्या नाम है, विराट। क्लियर है आप? तो हमने 10-11 पॉइंट अभी तक देखे, उसके बाद जो हमें देखना है वो है शूरसेन, शायद ये 12वीं हुआ, ठीक है। तो शूरसेन किसको बोलते हैं, अब हमारे जो सिमिलर साउंड के जो वर्ड थे वो खत्म हो चुके हैं, सिंगल सिंगल आएंगे। तो हमने अभी तक टोटल कितने पढ़े, 11 पेयर में पढ़े, लेकिन एक जगह क्या था, एक वर्ड एक एक्स्ट्रा था, जैसे मेवाड़, मेवाड़ा और मारवाड़, वहां तीन थे। तो हमने टोटल 11 × 2 = 22 + 1 एक्स्ट्रा मेरवाड़ा, तो हमने टोटल अभी तक 23 याद कर लिए हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो 24 है, ठीक है, हम 23 ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो आएंगे यहाँ से शूरसेन से, वो सिंगल सिंगल है, क्लियर, कि शूरसेन क्या होता है, योद्धे क्या होता है, जांगलपुर क्या होता है, कुरु क्या होता है, ठीक है, तो हम ही देख रहे हैं। अब अगर शूरसेन की बात करें तो जो राजस्थान है उसका पूर्वी वाला भाग, शूरसेन किसको बोलते हैं, राजस्थान का पूर्वी भाग जिसमें जिसमें बीसीडी, भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल है। तो शूरसेन किसको बोलते हैं, जो अलवर का जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, जिसमें कौन कौन से जिला थे, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको क्या बोलते हैं हम कमाई रूप में, शूरसेन, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, इससे पहले जो देखा था वो देखा था मत्स्य संघ, जिसमें कौन कौन से जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर,
राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ कहलाता है, उसमें ए बी सी डी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर शामिल थे। यहाँ पे क्या है बी सी डी, तो अभी मैं आपको ट्रिक बाद में दिखा दूंगा, एक बार एकता से लिख लीजिए। तो इसमें कौन कौन से हो गए, भरतपुर करौली और धौलपुर, किसमें शोर से, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। शूरसेन हमने देखा था इससे पहले, मत्स्य, मत्स्य क्या था, अलवर का दक्षिण पश्चिम भाग, उसकी राजधानी क्या थी, बेराट, वर्तमान में क्या है, विराट। शूरसेन की बात करें तो शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, ये भी लिख लिया। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अभी ऐसे कुछ नाम होते नहीं कि शूरसेन क्या होता है, तो इसलिए हम थी लगाए हैं, ठीक है। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसके बाद हमें क्या देखना है, डांग, कि डांग क्या होता है, आपने सुना होगा डांग बोलते हैं, जैसे कई बार कोई विवाह संबंध होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि यार डांग से मतलाना, क्यों मतलाना, डांग से लड़की मतलाना या डांग में शादी नहीं करनी, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि डांग में क्या होता है, डाकुओं का पहले जमाना था, अब तो है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन पहले ऐसा बोला जाता था, अभी भी कई बार आ जाते हैं जगन गुर्जर ऐसा कुछ नाम तो है, ठीक है। तो वहां की पुलिस भी मुस्तैद रहती है, आजकल वैसा ऐसा होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि यहाँ से संबंध मत करो, वहां से मत करो, सब जगह होनी चाहिए। तो डांग की बात करें, हम हमारे मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे, वापस आओ। डांग क्या होता है, डांग जी क्या है, बेसिकली राजस्थान का जो ईस्टर्न साइड है उसका ही कुछ भाग है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से जिला आते हैं, ठीक है, और डांग क्या है, बेसिकली चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र, चंबल नदी जहां से होकर गुजरती है उसका ये कुछ एरिया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चंबल नदी का बीहड़। अब मैं आपको समझा दूंगा आपको ये क्या चीजें हैं, बाकी ये जब पूरा हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जब आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र जिसका विस्तार करौली धौलपुर सवाई माधोपुर, इसका मतलब ट्रिक क्या बन जाएगी, सी डी और एड कर दिया हमने सवाई माधोपुर या एस एम, क्लियर। तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र, अब बीहड़ क्षेत्र की बात आती है कि बीहड़ किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिए जो राजस्थान में जो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है वो नदी है चंबल, और अवनालिका अपरदन करती है उन्हीं को हम बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र। अब अवनालिका अपरदन क्या होता है, तो अवनालिका अपरदन क्या होता है, जो मृदा है वो मृदा बिल्कुल कट जाती है जगह जगह से, जैसे नदी बहेगी तो मृदा कट जाती है, वहां पे क्या बच जाते हैं, लगभग पत्थर टाइप से आ जाते हैं ऊपर सतह पे, उसको बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र, बेसिकली वो कम उपजाऊ हो चुकी है अब जमीन, ठीक है। तो बीहड़ क्षेत्र मतलब वो कृषि योग्य इतना अनुकूल नहीं है, ठीक है, वहां की जो मिट्टी है वो भी इतनी अच्छी नहीं, ऑब्वियसली मिट्टी पे ही डिपेंड करती है एग्रीकल्चर, तो मिट्टी अच्छी नहीं है वहां पे, सर्वाधिक अवनाली का अपरदन हुआ है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, उसको हम बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र। अब चंबल नदी वहां से गुजरती, तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र जिसका विस्तार करौली धौलपुर सवाई माधोपुर में, उसको हम बोलते हैं उस एरिया को डांग, क्लियर। चल अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ी सी समझे देखते हैं। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में क्या आता था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद हमने पढ़ा शूरसेन, शूरसेन में क्या हुआ, बी प्लस सी प्लस डी, भरतपुर करौली प्लस धौलपुर, मतलब ए गायब हो गया कहां से, शूरसेन से, क्लियर। मत्स्य संघ
फिर आया फूड से, उसके बाद हमने अभी देखा, क्या देखा था उसके बाद हमने अभी बताओ, डांग, डांग देखा था, डांग की बात आती है। तो डांग में क्या हुआ, भरतपुर भी गायब हो गया, करौली प्लस धौलपुर प्लस एक एड हुआ, तो सी प्लस डी प्लस एस डब्ल्यू एन या एस एन, ये एड हुआ, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये टेबल आप बना लीजिए ये सब लिखने के बाद एक बार, तो आपको इन तीनों जो पॉइंट है इन सबकी एक समरी हो जाएगी फटाफट से, कि मत्स्य संघ ने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, शूरसेन में क्या किया, अलवर हटाया, बी सी डी किया, डांग में क्या किया, ए के डी कर दिया, बी हटा के, मतलब सी डी एस एन, करौली धौलपुर सवाईमान, क्लियर है। उसके बाद हम आगे बात करें, पंद्रवा आता है हमारा योद्धेय, कि योद्धेय किसको बोलते हैं, तो जो हमारा राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसको हम बोलते हैं योद्धेय। और उसमें कौन कौन से आते हैं, मेनली श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ऊपर श्रीगंगानगर आता है यहाँ पे और यहाँ पे हनुमानगढ़ आता है। तो राजस्थान का लिख लीजिए सिंपल है, राजस्थान का उत्तरी भाग जिसका विस्तार, जिसका विस्तार श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है, इसका मतलब योद्धे के अंतर्गत दो जिले आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, इस एरिया को हम बोलते हैं योद्धे प्रदेश या योद्धे, क्लियर है यहां तक। चल उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सपाद लक्ष्य, कि सपाद लक्ष्य किसे बोलते हैं, तो जो हमारा अजमेर है, अजमेर का कुछ क्षेत्र जहां पर चौहान वंश का शासन हुआ है कभी पहले था, तो अजमेर क्षेत्र जहां पर चौहान वंश का शासन था उस एरिया को हम बोलते हैं सपाद लक्ष्य, क्लियर है आप, देख लीजिए अजमेर जिले का क्षेत्र या अजमेर जिले को, अजमेर सिंपल लिखिए, अजमेर जिला जहां चौहान वंश का शासन था, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, मेवात, मेवल, दान, मत्स्य संघ, मत्स्य योद्धे, सपाद लक्ष्य, और कुछ हो सकता है छूट गया हूं मैं, तो ये हमने टॉपिक देखे, सपाद लक्ष्य क्या है, अजमेर जिला जहां चौहान वंश का शासन था। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी का जो हमारा हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के प्राचीन नाम या कुछ प्रचलित नाम, जैसे बागड़ और बांगड़ क्या है, प्रचलित है अभी भी चलते हैं, और ऐतिहासिक स्थलों के प्राचीन नाम ये है जो बंद हो चुके हैं, योद्धे कोई नहीं बोलता, सपाद लक्ष्य कोई नहीं बोलता, लेकिन बागड़ बांगड़ जरूर बोलता है, मरु मेरु जरूर बोलता है, माल और हाड़ोती ये सब अभी भी चलते हैं, मालव अभी भी चलता है, मेवात अभी भी चलता है, मेवल अभी भी चलता है। ये जनरली जो सिंगल वर्ड पढ़ेंगे हम, एक और लेक्चर में हमारा ये पूरा जो चैप्टर 4 है खत्म हो जाएगा, तो जो हम सिंगल पढ़ रहे हैं, सिंगल सिंगल वर्ड, इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कि आपको राजस्थान को जानने के लिए, लेकिन जो डबल मीनिंग वाले हैं वो आपके डेली रूटीन में भी ज्यादा काम आएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप कहीं जाते हैं किसी क्षेत्र में जाते हैं तो इनका अभी ज्यादा चलन है, जो चलन है वो है डबल जो साउंड करते थे, मेवात मेवल, मत्स्य और मत्स्य संघ, उसके बाद वागड़ बांगड़ जो हमने पहले देखे थे लेक्चर में और आज देखे, मतलब टोटल जो 12 पॉइंट तक हमने देखे वो अभी भी प्रचलन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।